औचक निरीक्षण के पहुंचे प्रभारी मंत्री, जिला चिकित्सालय, विद्युत सब स्टेशन और रैन बसेरे का लिया जायजा। ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज रात के समय शिवपुरी में कई स्थानों पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। उन्होंने जिला चिकित्सालय, विद्युत सब स्टेशन और रैन बसेरे का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने जिला चिकित्सालय में निरीक्षण करते हुए वहां मरीजों से चर्चा की और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड सहित अन्य वार्डो का जायजा लिया और मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन को अस्पताल की व्यवस्थाओं के सुधार के निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, सभी चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे और मरीजों के साथ सही व्यवहार रखे, ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला चिकित्सालय में साफ सफाई का भी जायजा लिया और गंदगी देख प्रभारी मंत्री ने स्वयं सफाई की। स्वच्छता का संदेश देते हुए अस्पताल प्रबंधन और सफाई कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। स्वच्छ वातावरण स्वस्थ वातावरण के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए गंदगी नहीं रहना चाहिए। सफाई कर्मी प्रतिदिन अपनी ड्यूटी के समय सक्रियता से साफ सफाई पर ध्यान दें। वहीं उन्होंने शिवपुरी रेन बसेरा का भी निरीक्षण किया। रेन बसेरे में अन्य सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश एसडीएम शिवपुरी को दिए हैं। इसके अलावा प्रभारी मंत्री अपने रात्रि विजिट के दौरान विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने 132 केवी सब स्टेशन का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की और निर्देश भी दिए कि विद्युत संबंधी शिकायत नहीं मिलना चाहिए, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, यही हमारा उद्देश्य है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। प्रभारी मंत्री ने मौके पर उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। यहां अस्थायी पुलिस चौकी है जहां निर्धारित समय पर ड्यूटी पर पुलिसकर्मी तैनात।